हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मुद्रण संस्कृति एवं आधुनिक दुनिया के लेसन में से प्रश्न, औपनिवेशिक भारत में उपन्यास किस तरह से राष्ट्रवादियों के लिए लाभदायक थे। दूसरा, मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियों का वर्णन करो। और तीसरा, मुद्रण की सबसे पहली टेक्निक का वर्णन करो। तो ये तीन प्रश्न हमने इस समय पढ़ने हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरा ये चैनल जिसका नाम इकोनॉमिक एनालिसिस विद अश्विनी कुमार गुप्ता है को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ दिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे नए नए नोटिफिकेशन, नए नए वीडियो आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो वीडियो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ, औपनिवेशिक भारत में उपन्यास किस तरह राष्ट्रवादियों के लिए लाभदायक थे। तो इसका उत्तर है कि औपनिवेशिक भारत में उपन्यास किस तरह राष्ट्रवादियों के लिए निम्न प्रकार से लाभदायक रही है। नंबर एक, वैचारिक भिन्नता। 19वीं सदी में से ही धार्मिक विचारों को लेकर बहस शुरू हो गई थी। औपनिवेशिक समाज में परिवर्तनों के कारण धर्म की अलग अलग व्याख्या करने लगे थे। कई तो रीति रिवाजों में सुधार चाहते थे। ये सारे वाद विवाद किताबों में छप कर बाजारों में बिकने लगे थे, जिसके कारण जो आम जनता थी उनमें भ्रांतियाँ पैदा हो गई थी। इससे समाज को नया रूप देने में सहायता मिली। दूसरा आता है विचारों को आकार देना। जो हम बोलते हैं उनको मुद्रण के द्वारा छापना और लोगों में पहुंचाना, विचारों को आकार देना। छपी हुई पुस्तकों में न केवल विचारों का प्रसार प्रसार किया गया, बल्कि उन्होंने बहस की शक्ल भी निश्चित की। बहस में कोई भी व्यक्ति भाग लेकर अपने विचार रख सकता था। इस तरह नए विचारों का जन्म हुआ। तीसरा आता है समाज सुधार। धर्म सुधारकों व हिंदू रूढ़िवादियों के बीच विधवा विवाह, एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा आदि मुद्दों पर बहस शुरू हो गई और ये तर्क पुस्तकों में छपकर लोगों तक जाने लगे। राजा राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी प्रकाशित किया। इसी प्रकार ज्योतिबा फुले ने 1871 में गुलामगिरी पुस्तक के माध्यम से जाति प्रथा की बुराइयों पर चोट पहुँचाई। दूसरा आता है मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियों का वर्णन करो। तो इसका उत्तर है, भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपियां ताड़ के पत्ते व हाथ से बनी शीट पर हाथ से बनाई जाती थी। उम्र बढ़ाने के लिए उन पर जिल्द चढ़ा दी जाती थी, लेकिन पांडुलिपियों के प्रयोग की कुछ सीमाएँ थीं जो निम्नलिखित हैं। नंबर एक, पांडुलिपियां बहुत नाजुक होती थी, जरा सी लापरवाही से इनके नष्ट होने का खतरा बना रहता था। दूसरा, पांडुलिपियां हस्तलिखित होती थी, इसलिए इनकी कीमत अधिक होती थी। पांडुलिपियों के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के कारण उन्हें पढ़ना कठिन था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो पांडुलिपियां हैं वो बहुत नाजुक होती थी, उनकी कीमत अधिक होती थी और उन्हें पढ़ना कठिन होता था। तीसरा प्रश्न आता है, मुद्रण की सबसे पहली टेक्निक का वर्णन करो। तो मुद्रण की सबसे पहली टेक्निक कहाँ हुई, कैसे हुई, इसका हमने वर्णन करना है। तो इसका उत्तर है, छापने की कला की प्रथम टेक्निक का आविष्कार चीन, जापान और कोरिया नामक देशों में माना जाता है। चीन में 594 ईस्वी में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग या लकड़ी के ब्लॉक पर रगड़कर किताबें छापी जाती थी। शुरू के दशकों में मुद्रित पुस्तकें चीन में छापी जाती थी। मुद्रण की पहली टेक्निक में छपी किताबों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर एक, शुरू में छपी किताबें अपने रंग रूप साज सज्जा में हस्तलिखित पांडुलिपियां जैसी दिखती थी। दूसरा, धातुई अक्षर हाथ की बनावट शैली का अनुकरण करते थे। तीसरा, हाशिए पर फूल पत्तियों के डिजाइन बनाए जाते थे, ये चित्र प्रायः पेंट किए जाते थे। चौथा, अमीरों के लिए बनाई गई पुस्तकों में छपे पन्ने पर बेल बुट्टों के लिए खाली जगह छोड़ दी जाती थी। और लास्ट पांचवा, प्रत्येक खरीदार अपनी रुचि के हिसाब से डिजाइन तैयार करके संवार सकता था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो मुद्रण की पहली टेक्निक थी वो किस प्रकार हुई, लकड़ी के ब्लॉक थे उस पर रगड़ करके किताबें बनाई जाती थी और उनमें क्या क्या विशेषताएँ थी, प्रमुख विशेषताएँ थी। मैंने आपको बताया कि किताबों में रंग रूप साज-सज्जा का विशेष ध्यान रखा जाता था, सजावटी शैली का अनुकरण किया जाता था, फूल पत्तियों के डिजाइन बनाए जाते थे और अपने हिसाब से कई जो अमीर लोग थे वो अपने हिसाब से डिजाइन तैयार करके उनको जो है संवार सकते थे। तो ये थी टेक्निक, मुद्रण की पहली टेक्निक। इसी के साथ
प्रश्न समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो उसको सब्सक्राइब करें, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ दिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नए नए नोटिफिकेशन, नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।